बिना कारण का कोई कार्य नहीं होगा। तो कारण है यहाँ, ऐसे कारण तो यहाँ शादी है, दो आत्माओं मिलकर के एक रात जो है मंजूर किया है, कारण यही है। और सत्संग बिना कारण का होता है, कारण तो है ये है, लोगों को हर रोग है दुनिया में, उसी रोग को दूर करने के लिए सत्संग का आवश्यकता होता है। तो सबसे बीमारी है हम लोगों के पास, सबसे बड़ी बीमारी है हम लोगों के पास में परमात्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में हमारे पास में बहुत बीमारी है। भवरोग इसी का है, भवरोग संसार, इसमें लोग जैसे सपना में लोग बोवाता है कुछ से कुछ बोलता है, ऐसे हम लोग भी संसार में परमात्मा के लिए बौवा रहे हैं, कौवा रहे हैं, मान के चल रहे हैं, जान के नहीं चल रहे हैं, मान के चलते हैं। कोई मिलता है तो पूछता हूं क्या समाचार है, तो कहा मालिक के दया से ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, सत्संग है तो आप फिर देखते हैं थोड़ा मुकुर रहे हैं, तो क्या करेंगे, मालिक भगवान का माया है, तो भगवान ऐसा माया पाल रखा है, भगवान ऐसा कटही कुंदा पाल रखा है जो आपको बेचैन रखता है दुनिया में, भगवाने चोरी करवाता है, भगवाने राजहानी करवाता है, भगवाने रेप करवाता है, भगवान आपके घर में डकैती डलवाता है, भगवान आपके पॉकेट कटवाता है, भगवान आपके मंदिर से मूर्ति चोरी करवाता है, फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती है, जब सब कुछ भगवाने कर रहा है। लोग बड़े अकड़ के कहता है भगवान की लीला से, भगवान का माया जो है नहीं छोड़ रहा, ईश्वर का माया सब कुछ करा रहा है, चोरियों वही करवाता है, आपको शराब वही पिला रहा है, आपको खून वही करवाता है, और आपसे करवाता है, आपको करता है, कि कहां तक ये बात सत्य है। यह संसार त्रिगुणात्मक है, त्रि मतलब होता है तीन, तीन देखते हैं फरावा के हाथ में होता तीर सूर, तीर मतलब त्रिपुरारी, तीन गुण है, तीर सूर होता है तीन, त्रिआरी मतलब होता है दुश्मन, त्रि मतलब तीन। तो हम लोग दुनिया में तीन दुश्मन का पूजा करते हैं, आप ही बकरी माँ बहन बकरी पालती है, आप मछली पालते हो ब्रह्मा है, एक गुण ब्रह्मा पालन करते हो, सृष्टि करते हो, मछली को आप जो है दाना डालते हो, मुर्गा पालन करते हो, ब्रह्मा हो आप, ब्रह्मा बनते हो, और जब उसको दाना डालते हो तो विष्णु बनते हो, पालन करना बनते हो, और जब उसको मछली बकरी को जो है बकरी को माँ बहन पोस करके सब नाती पोता सहित को चबा जाती है, तो संहारक हुए शंकर जी, संहारक हुए, तो तीनों काम आप करते हो, चयन कहाँ से होगा, पालन करते हो, पैदाइश सृष्टि करते हो, मुर्गी बच्चा मंगवाते हो, तालाब खोदवाते हो, मछली डालते हो, ब्रह्मा का काम करते हो, मुर्गी पालन करते हो, ब्रह्मा का काम करते हो, खेती करते हो, ब्रह्मा का काम करते हो, जब भोग करते हो, पालन करते हो, उसका रक्षा करते हो, तो विष्णु का काम करते हो, जब उसको संहार करते हो तो शंकर का काम करते हो। यही दो तीन गुणता है संसार में, तीन गुणों के अधीन लोग चल रहा है। तीन पुरारी, तीन मतलब तीन, पुरारी मतलब अरी मतलब होता है दुश्मन, ये तीनों गुण के अंदर में जो हम लोग चल रहे हैं, ये हम लोग बर्बादी की ओर जा रहे हैं। आप जिसको पूछिए सब नाम बताते हैं, नाम का जप कीजिए, सबका नाम जप कीजिए, सब कोई नाम जप कीजिए, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। यहाँ कह दिया, जब मैं आया था
कुछ दिन पहले आपकी परमा पर जो है झंडा उंडा देखा कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ क्या हुआ है। कहलकै छौड़ा सब जे छै से अष्टजाम करलकै, राम राम कहवाते हो, भगत करवाते हो, कीर्तन करवाते हो, रामानंद में जाते हो, कबीरपंथी में जाते हो, श्री संप्रदाय में जाते हो, लश्करी में जाते हो, कहाँ जाते हो, नाम के लिए जो है खोजने के लिए जो है कहाँ कहाँ जाते हो, कोई ओम नमः शिवाय कहता, कोई ओम नमः भगवताय कहता है, कोई कहता सीताराम सीताराम, कोई कहता है सतनाम सतनाम, कबीरपंथी में राम राम कहते हो, अयोध्या जाते हो, अयोध्या जी में गया तो पूछा, वहां जब प्रवेश करने गए मंदिर में तो पूछा मालाधारी है कि शुद्धधारी है, तो मैं कहा जो नहीं समझा, मैं समझ नहीं पाया, मेरी बात मेरी समझ में नहीं आई, मालाधारी या शुद्धधारी, क्या मालाधारी शुद्धधारी। तो दूसरा आदमी जो था बैठा हुआ घड़िया में कहा छोड़ो बात, कहते बाबा जाइए उधर सारे मंदिर है जाइए, यहाँ प्रवेश निषेध है। तो भगवान भी जो है वहाँ जाके देखिए, कोई बनी बना भी बात नहीं, जाके देखिए जो अयोध्या जी में आपको जहाँ शुद्धधारी है ब्राह्मण है उसके लिए मंदिर जो है फर्स्ट क्लास का मंदिर बना हुआ है, वही जाएगा जो शुद्धधारी है, और इधर जो ढड़ाए मधु चूल्हा चलो जाता है उसके लिए अलग भगवान बनाया, जाके देखिए जाके देखिए। मैंने कहा समझ गया घड़ियाल जो था समझ गया, घड़ियाल समझ गया, डांटता है उसको रोक दिया, छोड़ो बात को छोड़ दो, हम कहे सबका खोपड़ी में भूसा भर के आया है और उसको तुम कहते हो शुद्धधारी या मालाधारी, हम समझते ना हम कुछ धारी नहीं है। कल के बाबा जाइए घूमिए फिरिए इसमें निषेध है, हम कहे हम समझ गया ना शुद्ध का नाम लिया समझ गया। तो आप हम सब जो हम मान के चलते हैं, मान के चलते हैं भगवान, जान के नहीं चलते हैं। पानी को भगवान मानती है हमारी माँ बहन जो है, पानी को रसगुल्ला केला पूरी ठकुआ खजूरिया ये सब चढ़ाती है, चढ़ाती है कि नहीं चढ़ाती। तो 2008 में जो भगवान घर में आए तो काहे भाग्य गली खोपड़ी लेकर के, काहे ने कहा भगवान से कि हम भगवान आप मेरे घर पर आए हैं, दिन रात हम आरती करेंगे, रसगुल्ला पेड़ा चढ़ाएंगे, ठकुआ खजूरिया चढ़ाएंगे, काहे ने कहा गली खोपड़ी बकरी जो है सब लेकर के चला गया, यहाँ तक कि बाल बच्चा को छोड़ करके चल गया। अग्नि को भगवान मान लेते हो, जाओ आप लोग जाओ साड़ी के ऊपर में जो है आज अग्नि रख दें, एक तिनका रख देगा बस, अब देखो भगवान क्या करता है, अपने अंग पर रख लो अग्नि का तिनका, देखो क्या करता है, भगवान का ही काम है जला देना, घर पर रख करके देख लो, ये जो है परीक्षा करके देख लो भगवान है तो बड़ा करता है, अग्नि अभी रख दो ना घर पर, अभी जाके जो है थोड़ा देर के लिए कर रख करके बक्सा में रख करके आओ, बक्सा पर नहीं बक्सा के अंदर में साड़ी पर जो है जेवर जात जो है उस पर रख देना, साड़ी पर अग्नि का तिनका अंदर अंदर घरे पर रख करके देख लो भगवान क्या करता है। पानी को देखिए लिया, पानी को देख लिया, आकाश के ओर देखते हो, आकाश को दीप दिखाती हो, हमारे बड़े बड़े लोग जो है पानी ढालता है सुबह में, जब सब बटखारा खिला के पानी हो जाता है तो पानी ढालता है सुबह में, कोई काम तो है नहीं, माँ को भी बूढ़ी हो गई कोई काम है नहीं, सुबह सुबह उठ जाती है वो जो है वहाँ घोकुला करके सूर्य को अर्पण करती है पानी, आँख बंद करके न जाने दिल में क्या वेदना है जो है अलीरवा को जो है प्रणाम कर ले, अब जो कहती हूँ हम बहुतों को देखा, अब पानी हमारे बाप लोग जो है वो पानी ढाता लोटा लेकर ताकता ऊपर के और आपको बंद कर जाता दिनकर को कहता है, पढ़ा है ना नेट पर देखा है ना, ऊपर वाला जो है ठनका गिरा करके सारी बिहार का जो है उड़ीसा का जो है सारी बिहार के जो है जो सारी मूंग को बर्बाद कर दिया, मकई को सही ऊपर वाला का काम, अरे पूछते हो दया करने के लिए, यही ऊपर वाला का काम है, देखो ना क्या दशा है, सारी मूंग जो है कमाया हुआ मूंग ऊपर वाला खत्म कर दिया, अरे आपके यहाँ तो घर घर पानी नहीं है, देखो ना टीवी पर घर घर पानी है, कन्हा पर लेकर भाग रहा है, कितना आदमी मर गया ठनका से, ऊपर वाले को नहीं कहते हो कि ठनका काहे गिरा रहे हो, जो हम आपको
खाद्य पर दही चूड़ा रसगुल्ला चढ़ाते हैं, दूध ढाल देते हैं नीच उठ करके, ठनका काहे गिराते हो हमारे बाप हमारे ऊपर, हमारे बाल बच्चे को नहीं पूछते हो जिनका नागर को काहे करते हो, तो मान के चल रहे हो। पानी में गुण है ज्ञान नहीं है, अग्नि में गुण है ज्ञान नहीं है, आकाश में गुण है, सूर्य में गुण है ज्ञान नहीं है, अग्नि में गुण है ज्ञान नहीं है, पानी से खेती करना है, पानी से जो पीने की चीज है, कपड़ा धोने की चीज है, पानी से बिजली पैदा करने की चीज है, अग्नि से फैक्ट्री चलाना है, भंसा बनाना है, खाना बनाना है, कपड़ा बस्तर धो के सुखाना है, ये काम है पानी का, धरती पर खेती करना है, फैक्ट्री बनाना है, क्या करते गृहस्थी करना है, अन्न उपजाना है, घर बनाना है, ये है धरती का काम। धरती में गुण है ज्ञान नहीं है। आज जो है क्या कहते हैं भूकंप भूचाल जो हो रहा था, उस रोज हम लोग थे यहाँ बगल में दास के टोला, तो पृथ्वी जो है डोले गई अधिकार है हमारे सतवान साहब का है, पृथ्वी जो है मचलने लगी, सब जो है तो चक्का मार गया कि धड़का मोड़ा, तो पृथ्वी का पूजा करते हो प्रणाम करते हो, अगर वो पिहल जाए तब क्या होगा, तो पृथ्वी में गुण है ज्ञान नहीं है, अगर इसे भूचाल हो जाएगा तो आपको बचा नहीं सकेगा, इसके दरी में चला जाएगा।